एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं उनकी बात करने वाली हूँ जिन्हें भगवान ने अच्छी शक्ल तो दी है लेकिन फिर भी इन मैडम जी को रेस पर अपनी शक्ल की जगह कुछ और दिखाना है। क्या बोला तूने? जिन्हें डांस का डी भी नहीं आता है उन्हें अपने डांस की आड़ में कुछ और हिलाना है। तो ये वो मोहतरमा है जो रेस पर चूतिया पकड़ते करते थक चुके थे लेकिन फिर भी नेहा जी की बराबरी नहीं कर पाए। तब इन्होंने जाके सोचा कि क्यों ना मैं नेहा जी से ही क्लासेस ले लूं। अच्छा, और जल्दी जल्दी इन्होंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जहां उन्होंने कोर्स सेट किया लाइक्स और फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं और ठरकियों को अपनी प्रोफाइल पर कैसे बुलाएं। साले तू और नतीजा खुद ही देख लो। इंस्टाग्राम को अश्लीलताग्राम में बदलने का पूरा श्रेय इन लोगों को तो जाता ही है, साथ ही साथ हमारे आगे के जनरेशन को अश्लील बनाने का भी श्रेय इन्हीं ही जाता है। You are right, bro. बाबरी रंग खेला जाता है, खुद ही नहीं पोता जाता। सही बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? था ये मैडम जी वीडियो के लिए गाना भी सही तरीके से नहीं चुन पाई। गाने के बोल होने चाहिए थे, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। अगर आप वीडियो को नहीं समझ पाए तो मैं आपको इन मैडम के ही शब्दों में इस वीडियो को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मैडम जी इस वीडियो में 2019 से 2022 तक की गई तरक्की को दिखा रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अगर ऐसे ही तरक्की चलती रही, विकास होता रहा, तो अगले 3-4 सालों में क्या होगा? हाय दया, काश ऐसे ही विकास हमारे देश का भी होता तो अगले 3-4 सालों में हमारा देश कहाँ होता? मैं नहीं बताऊंगा। इन मैडम जी की हरकतों को आप गलत तरीके से मत ले लीजिएगा। ये मैडम जी आपको बताना चाह रही हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का सिरप पीते हैं तो उसको पीने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ये मैडम बता रही हैं। सबसे पहले बॉटल को उठा करके टेबल पर पटके, उसके बाद में बॉटल का ढक्कन के किनारे लगी हुई दवा ऐसे पोछे फिर बॉटल को ऐसे हिलाएं, उसके बाद बॉटल को 2 मिनट के लिए ऐसे हिलाएं। जी भर के हिलाने के बाद बॉटल के ढक्कन को खोल करके दवा को पी लें।